ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेरिट सिलेबस 2019 के बारे में, और साथ ही मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ, जो कि इसका ऑफिशियल सिलेबस और ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न होगा और जो कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अनाउंस हो चुका है। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको इस भर्ती के बारे में शॉर्ट ओवरव्यू बता देता हूं, उसके बाद ही मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं इसके शॉर्ट ओवरव्यू के बारे में। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेवी, नंबर ऑफ वैकेंसीज 554 है, नेम ऑफ पोस्ट ट्रेड्समैन मेट की है, अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर पाओगे। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 2 मार्च 2019 है, लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 15 मार्च 2019 है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो और आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही होगी। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट indiannavy.nic.in। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें जो आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मिनिमम 10वीं पास है। अगर आपके पास 10वीं पास की योग्यता है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे। तो चलिए अब मैं आपको उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, जो कि इसका ऑफिशियल है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रही हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि मैंने जूम करके आपको सिर्फ इसके जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो चलिए जान लेते हैं। द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फॉर डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन इंडिकेटेड इन द फिलिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कहां पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है, और आपको उसके लिए तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि आप तीन सिटी चूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप जो सिटी चूज करोगे उनके बाद भी इंडियन नेवी के अंडर ही रहेगा कि आपका सेंटर किस स्टेट में लगाना है। बेसिकली जो आप तीन स्टेट या तीन सिटी सिलेक्ट करोगे आपका सेंटर उन्हीं के अंदर लगेगा, लेकिन बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है इंडियन नेवी के जो सिस्टम है तो फिर आपका सेंटर चेंज भी हो सकता है। उसकी गारंटी नहीं होगी कि आपने जो स्टेट या सिटी सिलेक्ट की है उन्हीं के अंदर आपका सेंटर होगा, जैसा कि आप इस पैराग्राफ को रीड कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर मैं आपको इसको रीड करके बताऊंगा तो उसमें ज्यादा टाइम और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात आती है मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, आपका सिलेक्शन स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि जो आप आवेदन सबमिट करोगे उनको देखा जाएगा और बहुत ही आसानी से उसके मतलब चेकिंग की जाएगी, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि किसी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि इससे अगला प्रोसेस होगा। स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जाम, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। एंटाइटल ए पर्सन एप्लीकेंट टू बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CBT बोलते हैं। अब जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा किस प्रकार का रहने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। ऑल सॉलिसिटेड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपियर इन दी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि CBT, कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेंटल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके एजेंटल यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन यानी कि 10वीं या ITI के बेस पर होंगे। जो सभी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं 10वीं और ITI के बेस पर ही होंगे, यानी कि 10वीं और 12वीं या ITI के लेवल के रहेंगे। एज मैंसनड एट पारा 5, यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पारा 5 के अंदर भी इन्होंने बताया है। अब इसके बाद आपको कि इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा, एक्सेप्ट फॉर जनरल इंग्लिश, यानी कि जो जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसके जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होंगे। इसके अलावा जो आपके बाकी के सब्जेक्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखा देता हूँ। दोस्तों, जो इसके अंदर आपके सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे, एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, जनरल इंग्लिश सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएंगे जो क्वेश्चन इसके होंगे, बाकी इन तीनों के जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और दोस्तों, इसके लिए आपको 25-25 मार्क्स इंडिकेटिव यानी कि प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि कुल मिलाकर के आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हुआ, जैसे कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं जानकारी दी गई। डिटेल सिलेबस इज अवेलेबल एट नवल वेबसाइट, जो कि है joinindiannavy.gov
.in अंडर फिलिंग इंस्ट्रक्शन। तो और जो इसका शॉर्ट सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया, वैसे ये फुल सिलेबस ही है। तो चलिए पहले जो आपका सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स होंगे वो है इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज, ओड वन आउट, लॉजिकल वैन डायग्राम्स, एनालॉजी, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्रॉइंग, इन्फ्रेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग इटीसी। दोस्तों इन टॉपिक्स के अंदर से आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरा आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, द पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू, यानी कि इन टॉपिक्स पे जो कि है नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टैटिकल चार्ट, ट्राइग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ईटीसी। आपका जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो क्वेश्चन होंगे वे आपके इन टॉपिक्स के अंदर से आने वाले हैं। और दोस्त अगला सब्जेक्ट है आपका जनरल इंग्लिश एंड कंप्रेशंस, इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स होंगे जिनमें से आपका सिलेबस आएगा या क्वेश्चन पेपर आएगा वो है इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, कंप्रेशंस एंड इट्स करेक्ट यूसेज ईटीसी। इन टॉपिक्स के अंदर से आपका जनरल इंग्लिश का जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस, और इसके अंदर दिया गई जो जानकारी दी गई वो है द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि टॉपिक्स है स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, स्कीम्स, करंट इवेंट्स, जनरल पॉलिसी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च ईटीसी। दीज क्वेश्चंस विल बी सच डैट दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशली स्टडी ऑफ एंड डिसिप्लिन, यानी कि जो इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए आपको स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन यानी किसी भी माध्यम से करनी होगी। दोस्तों मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो अगर कहीं पर कोई प्रोनाउंसिएशन या कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों अब आप आती है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जाम कब होगा, तो इसके बारे में भी उन्होंने शॉर्ट जानकारी दी गई है। एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू दी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल फोन, यानी कि जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन छांटी जाएगी कि कौन लोग ऑनलाइन एग्जाम के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, उसके बाद आपको जो आपने जब फॉर्म फिल करते समय मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यूज की थी आपको उस ईमेल आईडी और फोन मैसेज पर मैसेज आ जाएगा कि कहां पर आपकी एग्जाम डेट है और कहां पर आपका वेन्यू है, जैसा कि आप इस डिटेल्स में पढ़ पा रहे होंगे। और वेबसाइट, इन वेबसाइट के ऊपर भी आपको उसकी जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा एक ई पॉइंट और दिया गया है जो कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि कब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दियर रिलेटिव मेरिट ऑप्शन इन रिटर्न एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा कि कौन लोग क्वालिफाई कर जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मीडिया एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि आपका इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और अदर जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपसे पूरी की जाएगी। तो दोस्तों ये था इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो कि बिल्कुल ऑफिशियल है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको उसको जूम आउट यानी कि जूम इन करके दिखा देता हूँ, सॉरी जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसी के अंदर ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दिया गया जो कि बिल्कुल ऑफिशियल है। तो आप इसके अकॉर्डिंग बहुत ही कॉन्फिडेंट से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो क्योंकि ये कोई फेक जानकारी नहीं होगी और आप अपना जो तैयारी है वो कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी इस सिलेबस या एग्जाम पैटर्न या भर्ती से संबंधित पूछनी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो और जान सकते हो कि इस भर्ती की कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्या है और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा अगर आपको फिर भी कोई कहीं पर सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो आप उसके लिए कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दूं। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे।